हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर लेवल भर्ती परीक्षा, साथियों लगातार आप लोग इंतज़ार में हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। लगभग 10 महीने के बाद आयोग ने 14 अगस्त को एक नोटिस जारी किया कि आपका एग्ज़ाम CBT होगा। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि बिहार में लगभग 20 ऐसे सेंटर हैं जो परीक्षा जो शिक्षा माफिया हैं उनके कंट्रोल में है, सीधे वो उनका सेंटर है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जो सक्षमता परीक्षा हुई थी उसमें बड़े लेवल पर जो सिस्टम है उसको हैक किया गया। इसके अलावा अन्य परीक्षा का भी एग्जाम्पल है, बिहार में कई ऐसे परीक्षा हुए हैं जिसमें जम करके चीटिंग हुई है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, जो कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन से भी ज़्यादा खतरनाक और घातक साबित हुआ मेधावी छात्रों के लिए। तो यहाँ पे इंटर लेवल एग्ज़ाम CBT और ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर के बड़ी घमासान है और एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सबके लिए। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आज ही एक जो गैजेट है वो बिहार सरकार ने जारी किया है, जो बिहार में फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराने को लेकर के है। और इसमें करोड़ों रुपए जुर्माने हैं जो या तो संगठित रूप से अपराध करते हैं या कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी करती है, यानी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगी या जो पेपर प्रिंट करती है, और उनको बैन भी किया जाएगा और उनके जो हेड होंगे उनका करवास भी होगा। इसके अलावा अगर कोई सिंगल व्यक्ति भी पेपर लीक करता है तो उसका 10 लाख तक का जुर्माना है और 3 से 5 साल तक का उसका सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो ये अपडेट अगर अभी नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर CBT की बात करने वाले हैं कि जो इंटर लेवल भर्ती है, चूँकि एग्ज़ाम ऑलरेडी डिले हो रही है और मैं लगातार इस पर आवाज़ उठा रहा हूँ कि एग्ज़ाम थोड़ा सा और डिले हो, लेकिन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एग्ज़ाम फेयर तरीके से होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन में बिहार सरकार सक्षम नहीं है तो जैसा कि बिहार पुलिस का भी हाल फिलहाल में परीक्षा हुआ है जो कि बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ है और छात्र भी उस एग्ज़ाम से संतुष्ट हैं, तो वो फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो सकता है, तो बिहार में BSSC के एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है। पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पर जानेंगे क्या अपडेट है। अभी जैसा कि देखिएगा तो आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ है और सभी छात्र एकजुट हैं परीक्षा में फेयर तरीके से लेकर के। और देखिए, बैठक में शामिल छात्र, BSSC इंटर स्तरीय परीक्षा ऑफलाइन कराने की मांग, तो बड़ी मांग है यहाँ पर ऑफलाइन परीक्षा कराने को लेकर के। और देखेंगे तो जागरण संवाददाता, बिहार कर्मचारी चयन की ओर से पिछले वर्ष सितंबर महीने में लगभग 13,000 इंटर स्तरीय पदों के लिए द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आई थी और देखेंगे तो 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, लेकिन एक साल बाद भी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। और इधर हाल ही में BSSC ने परीक्षा ऑनलाइन कराने का नोटिस जारी कर दिया। अब देखेंगे कि 14 अगस्त को जो नोटिस आया था उसमें क्लियर मेंशन किया गया था कि आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन CBT बेस्ड होगी, लेकिन जो बिहार सरकार है वो खुद का ना तो सिस्टम है ना सक्षम है ऑनलाइन परीक्षा कराने में। और कई ऐसे परीक्षाओं का उदाहरण है जिसमें जम करके धांधली हुई है, तो छात्र बिल्कुल सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि ये जो है बदतर हो जाएगा ऑफलाइन से भी एग्ज़ाम। और यही कारण है कि अब इनकी मांग है कि बिहार सरकार अगर सक्षम नहीं है तो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। पूरी अपडेट को यहाँ पे देखिएगा तो एक साल बाद भी परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है और हाल ही में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के नोटिस जारी किया गया था, जबकि पहले परीक्षा ऑनलाइन नहीं होती थी, ऑफलाइन होती थी। परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा कराने की घोषणा के बाद अभ्यर्थियों का विरोध शुरू हो गया है। अब देखेंगे यहाँ पे तो ऑनलाइन परीक्षाओं में कंप्यूटर सिस्टम हैक कर धांधली सेटिंग की घटनाओं से अभ्यर्थी काफ़ी डरे हुए हैं। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो अपडेट, अब जैसे कि पेपर में मेंशन किया गया है और हमने कुछ दिन पहले ही आपको ये अपडेट दिया था कि बिहार में बड़े लेवल पर स्टीयरिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ और लाखों रुपये वसूले जा रहे थे और परीक्षा में धांधली किया जा रहा था। तो ये आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि मैं लगातार जो एग्ज़ाम है वो फेयर तरीके से हो इसके लिए मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। इसके अलावा और भी देखिएगा तो मैं कई वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाया हूँ कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। देखिएगा तो मैंने ये दूसरा वीडियो भी बनाया था जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में धांधली को लेकर के अपडेट था आप सभी के बीच में कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा घातक है। अगर ऑनलाइन होता है तो सिर्फ और सिर्फ TCS जैसी एजेंसी को देना चाहिए और उसमें लोकल एजेंसी को सीट एक भी परीक्षा कराने के लिए न मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि देखेंगे कि धांधली सेटिंग घटनाओं से अभ्यर्थी काफ़ी डरे हुए हैं
और मैं लगातार आपको अपडेट कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, एग्ज़ाम तभी फेयर तरीके से होगा जब सभी लोग मिलजुल करके आवाज़ उठाएंगे और तत्परता से अपनी आवाज़ को आयोग के सामने, सरकार के सामने रखेंगे। तो हमारा काम है वीडियो के माध्यम से आप सभी को जागरूक करना। तो आप सबका काम है उस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों में शेयर कीजिए। अभी भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देखिए कैसे धांधली किया जाता है, और शेयर कीजिए उसको ताकि सभी अभ्यर्थी जागरूक हो सकें। यहाँ पर देखिएगा, तो परीक्षा पहले की तरह ऑफलाइन कराने की मांग को लेकर बुधवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के अभ्यर्थियों की बैठक हुई। और छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाने के लिए बिहार सरकार के पास अपना खुद का संसाधन नहीं है। अब जैसा कि अभी देखेंगे तो बीएसएससी यहाँ तक कि खुद यहाँ पर सेंटर चयन के लिए एडवर्टीजमेंट जारी न करके ये जिम्मा दी है बेल्ट्रॉन को कि आप एजेंसी का चयन कीजिए कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम लेगी। और कई ऑनलाइन सेंटर परीक्षा माफियाओं और सेंटर का है जहां धांधली सेटिंग होती है। हमने ऑलरेडी आपको इस पर अपडेट किया है कि कई ऐसे 20 सेंटर है जो परीक्षा माफियाओं से जुड़े हैं। छात्र नेता ने बिहार सरकार और आयोग से मांग किया कि लाखों मेधावी ईमानदार बेरोजगार छात्रों के हित में परीक्षा ऑफलाइन करवाई जाए, या ऑनलाइन परीक्षा करानी ही है तो किसी बदनाम संस्था से ना कराकर TCS परीक्षा करवाई जाए। तो सबसे बड़ा अपडेट, हमने भी लगातार ये आवाज़ उठाया है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो लेकिन TCS के माध्यम से हो। अगर TCS के माध्यम से नहीं होती है तो फिर इस कंडीशन में ऑफलाइन ही एग्ज़ाम बेहतर होगा, और उसमें पूरी कड़ाई के साथ एग्ज़ाम होनी चाहिए। और बैठक में देखेंगे तो विकास कुमार झा, लक्ष्मण कुमार पंडित, दीपक यादव, विकास शर्मा, यशपाल साहब भी शामिल थे। तो ये पूरी अपडेट थी एग्ज़ाम को लेकर के। और चूंकि अभी भी एग्ज़ाम डेट जारी नहीं किया गया है तो सबसे पहले तो सुनिश्चित करनी होगी कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर यहाँ पे एग्ज़ाम ऑफलाइन होती है तो जैसा कि सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल तरीके से एग्ज़ाम हुआ है तो वैसे कड़ाई के साथ एग्ज़ाम किया जाए तो कोई छात्रों को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो फिर लोकल एजेंसीज को दिया जाएगा तो बड़े लेवल पे उसमें सेंधमारी हो सकती है, बड़े लेवल पर धांधली हो सकता है, और मेधावी छात्रों के लिए एक ये भविष्य से खिलवाड़ होगा। इसलिए एग्ज़ाम का चयन कराते वक्त यहाँ पर TCS एजेंसी को दिया जाना चाहिए एग्ज़ाम कराने के लिए। तो आप सबका इस पर क्या सूचना है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि छात्रों के पास ये आवाज़ पहुंच सके कि जो एग्ज़ाम है वो फेयर तरीके से होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम ऑलरेडी डिले हो चुका है, लगभग 10 महीने हो गए हैं नोटिफिकेशन को, उसके बाद भी एग्ज़ाम डेट अभी तक जारी नहीं किया गया। और एग्ज़ाम डेट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आयोग ने एक नोटिस जारी किया कि हम एग्ज़ाम ऑनलाइन लेंगे। हालांकि अभी एग्ज़ाम फेयर तरीके से कराने के लिए बिहार सरकार का एक गैजेट भी आ चुका है जिसमें कई प्रावधान किए गए हैं ताकि नकल को रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद एग्ज़ाम से पहले अगर सारे नियम दुरुस्त हो जाते हैं तब जा कर के यहाँ पर छात्र का एग्ज़ाम फेयर तरीके से होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर मुश्किल है बिहार में एग्ज़ाम फेयर तरीके से करवा पाना, और वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें, और आपकी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।